हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी हमारे बदान को स्कूल छोड़ के, तो आज उसका सेकंड डे है स्कूल में, उसको स्कूल छोड़ के आ रहे हैं और अब चलते हैं घर पे, क्योंकि घर के सारे काम खड़े हुए हैं। अभी कुछ भी करके नहीं गई थी, फटाफट से स्कूल रेडी करके नाश्ता करवा के उसको डायरेक्ट स्कूल छोड़ा है। अब जाके हम काम पर लगेंगे और उसके बाद वो ऑनलाइन क्लास कर, अभी स्कूल जा गया है, स्कूल से आएगा फिर उसकी ऑफलाइन क्लास, मतलब अभी ऑफलाइन क्लास है फिर ऑनलाइन क्लास भी है। तो आज उसका मतलब 12:30 बजे तक तो वो अच्छा खासा बिजी रहने वाला है। तो देखते हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना थक गई मैं। हाँ, तो वो अभी आएगा, 10:30 बजे आएगा, फिर 10:30 बजे फिर उसकी क्लास है, तो वो चलेगी 12:30 बजे तक। एंड वो बिजी रहने वाला है, तो मैं अपने जब तक काम निपटा लेती हूँ, जब तक कुछ भी है, रुद्रांश के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ मैं, काम में लगे रहते हैं। तो सोच रही हूँ, क्योंकि उसका होमवर्क भी इतना सारा रहता है ना, तो होमवर्क भी करवाना पड़ता है, उसको भी देखना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। चलते हैं अंदर, एंड इनके पास चाबी है, मैं पहले आ गई, इन चीज़ें एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बच्चे को छोड़ के आओ, लेके आओ, घर के काम निपटाओ, कितनी सारी चीज़ें हो जाती है ना सच में। हमारी कल वाली रंगोली यहाँ से, अभी मैंने जो दिए उठाने हैं, दिए नहीं उठाए थे, एंड वो वाली रंगोली तो रुद्रांश ने मिटाई दी थी। इतना टाइम लगता है, कोई इंसान वेट ही कर रहा हो, क्या ढूंढ रहा है? देख रहा था, फाइनली हम लोग आ गए स्कूल छोड़ के, अंदर आ गए हैं, टाइम हो रहा है, अभी 9 ही बज रहे हैं, 9 ही बोलूंगी क्योंकि 5 मिनट का टाइम है, और अभी मुझे फटाफट से काम निपटाने हैं, काम निपटाऊंगी फिर उसके बाद लेने भी जाना है। और मैं ना लिटरली घर की हालत बताऊँ, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना कि बता नहीं सकती। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, तब आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। मेन डोर से दिखाती हूँ घर कितना गंदा पड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे सामान आया हुआ था तो ये रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल की हालत देखो, यहाँ पे कल पूजा की थी एकादशी की, तो नहा धो के इनको भी उठाएंगे एंड जगह पे रखेंगे। किचन की हालत देखो, सुबह ब्रेकफास्ट बना हुआ था तो ये सब पड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे भी देखो ये सब टिफिन पड़ा हुआ है, ये बुक्स पड़ी हुई रुद्रांश की। और इस रूम की हालत तो आप लोग देख चुके हो कल वाले ब्लॉग में, कितनी ज़्यादा गंदी पड़ी हुई है। एंड इस पूरा घर ना इतर वितर हो रखा है यहाँ पे, ये देखो सब, इस रूम की भी हालत, क्योंकि मैं आज ना यहीं सो गई एडिट करते करते, एडिटिंग करते करते पता ही नहीं चला। ये देखो लैपटॉप रखा हुआ है, ब्लैंकेट ओढ़ के मैं से सो गई थी मैं। एंड इस रूम की हालत देखो, रूम की हालत क्या हो रखी है, यहाँ पे चाय पी हुई थी तो कप भी रखे हुए हैं अभी, एंड बेडशीट सब बहुत गंदा पड़ा हुआ है अभी, इस गंदगी को फटाफट से साफ करते हैं एंड लग जाते हैं काम पर। ये मैंने कल कुछ कपड़े डाले हुए थे धो के, तो वो डले हुए हैं, एंड मुझे आज भी डालने हैं, कुछ हाथ से ही धो के डालूंगी। ये देखो सब पूरा तरह तक पड़ा हुआ है, काम पे लग जाते हैं और काम को फटाफट से खत्म करते हैं। पहले तो बर्तन रख के, बर्तनों को जगह पे रख के आते हैं क्योंकि चाय पी और यहीं पे रख दिए थे, क्या किया जाए, सबसे पहले काम समझ नहीं आता जब इतना सारा फैला पड़ा होता है। तो आज मैंने रुद्रांश को नाश्ते में ना हलवा बनाया था सूजी का, तो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा खा के आया था, हलवा बनाया था। मैं ना अगर छोटे बच्चे हो ना, तो एक मोजा ये पड़ा हुआ है, एक मोजे का पैर, ये दोनों अलग अलग मोजे पड़े हुए हैं, रुद्रांश के ये काम होते हैं। अब पता नहीं एक मोजा ढूंढने के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सोचा पहले काम पे लगने से पहले थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि काम तो चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे इनको आज अभी पीनी थी चाय, वैसे हमारी मॉर्निंग में ही चाय बनती है, एक बार तो मॉर्निंग में बनती है, शाम में बनती है, तो इनका चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि सुबह ना वो एकदम जल्दबाजी वाली चाय हो जाती है, थोड़ी तसल्ली से चाय पीना तभी तो इनको मज़ा आता है चाय पीने में, तो सुबह ऐसी चाय पी थी। तो यहाँ पर चाय बन रही है, यहाँ पर ना हलवा गर्म हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद काम पे लगेंगे, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है, सेहत को ध्यान में रखते हुए ये सब भी देखना पड़ेगा। फिर रुद्रांश का बर्थडे यानी 17 को की भी तैयारियां करनी है, सामान वगैरह भी लाना है, देखते हैं क्या होता है सेलिब्रेशन का, घर पे सेलिब्रेट होता है या बाहर सेलिब्रेट होता है नहीं पता है। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बर्थडे की भी तैयारियां करनी है, एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेके, एंड केक खाने को एंड बलून के लिए। चाय नाश्ता रेडी है, ये देखो रेडी हो गया है, मैंने थोड़ी सी ली क्योंकि मुझे ज्यादा चाय पसंद नहीं है, इनको ज्यादा पसंद है चाय, तो इनको मैं भर के देती हूँ सब। ये आपकी चाय, तो हम लग जाते हैं काम पे, पेट पूजा तो हो गई है, एंड ये पड़े हुए रुद्रांश के कपड़े, क्योंकि वो सुबह उठा था तो उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बोला था मुझे स्वेटर पहनाओ पहले, मोजे पहनाओ उसके बाद ही और उस घर में से उठूँगा। तो उससे सारे कपड़े ना यहीं पे पड़े हुए कपड़े चेंज किए थे, तो फटाफट से काम पर लग जाते हैं एंड उसको समेटते हैं। तो
एक बुक चाहिए आती है ना तो सारी बुक्स इस तरीके से पूरी फैला देता है बिल्कुल एक बुक से उठाने के चक्कर में। एक बुक चाहिए आती है अगर उसको बोल दिया जाए ना एक बुक उठा लाना बेटा तो सारी बुक्स ऐसे इस तरीके से फैला के जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे दिन में 4 बार उसकी बुक्स लगानी आती है, जितनी बार वो अपनी बुक्स को छूता है उतनी बार मुझे लगानी आती है। मुझे ना ये पड़े हुए हैं हर जगह उसके, वो एक काले वाले का तो ना एक घुमाई दिया है, हर जगह उसके सॉक्स मिलते हैं अपने अपने अनुसार चुनता है, मुझे ये पहनना ये पहनना सब जगह फेंक देता है। झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस मुझे नहाना है। तो मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले पहले रुद्रांश को ले आते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, रुद्रांश को लेने जाना है। 10:15 हो गए हैं और 10:30 तक की रहती है उसकी क्लास, एंड मैंने नहाया नहीं है। अगर फिर मैं नहाऊंगी फिर मुझे ये भी करना पड़ेगा, यहाँ पे पूजा का सामान रखा हुआ है। तो सोच रहे हैं सबसे पहले ना रुद्रांश को लेके आती हूँ मैं, उस फटाफट से 1 घंटे में सारे काम निपटाए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है 1 घंटे में सारे काम निपटा। ये देखो किचन बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई, चमचमा गई है, बर्तन भी धुल गए हैं, एंड यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है। तो ये देखो सब अच्छे से हो गया है, सारे रूमों में भी सफाई कर दी है, बस रुद्रांश को लेने जाना है। ये देखो इस वाले रूम की भी कर दिया है मैंने, सब साफ कर दिया है, एंड इस वाले रूम की भी कर दिया है। तो ये देखो चले लेने, टाइम हो गया उसका, निकल गया प्रिंटर, मैंने उसको अलग से प्रिंट किया, ये देख नहीं रहा था। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ना रुद्रांश के लिए इतने सारे मैम ने दिए हुए थे प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो सारे प्रिंट आउट निकल गए क्योंकि अभी उसकी है ऑनलाइन क्लास, जैसे ही वो आएगा तो ये सारे प्रिंट आउट निकाले थे वो निकाल लिए हैं। बस सब जाते हैं रुद्रांश को लेने के लिए, चलो यहीं पर रख दो, अभी आएगा तो फिर अटेंड करेगा वो क्लास। पानी पिया जाए थोड़ा सा क्योंकि काम करते करते ना गला सूख गया है एकदम, पानी पिया जाएगा पहले थोड़ा सा, देखते हैं आज उसका सेकंड डे कैसा गया है। कंगी नहीं की ना तो ऐसे भीड़ है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था जाने का। मेरे स्टाइल बनियान के ऊपर जैकेट शॉर्ट फॉर्म है, कपड़े ना पहनने का। ठंडियों में एक फायदा यही है कि अंदर कुछ भी पहन लो ऊपर से स्वेटर पहन लो सब लगे खाता है। चलो देखो भाई हम तो हो गए हैं रेडी, कितना धुंध धुंध हो रहा है ना बाहर, देखो बच गए नहीं वो इस वाले में मिल जाता नहीं, नहीं, इस वाले में नहीं, उधर है क्या ये वाले बाइक में लगती है, ये बाइक की मशीन है सीवेज का। The world seems small, we can sit together, it's so beautiful। क्या आज स्कूल में क्या पढ़ाया था मैम ने? मोर खेपर को क्रैप करना। अच्छा अच्छा, मोर एंड लेस पढ़ाया, कितना सही किया। अच्छा, लेस को सर्कल करना था एंड मोर को क्रॉस करना था। मैम ने मुझे ये भी बताया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। बाई फोर याक, याक होता है। तो ये देखो रुद्रांश अभी आया है क्लास, मतलब स्कूल गया था, स्कूल करके आया फिर यहाँ पे बैठ गए ऑनलाइन क्लास करने के लिए क्योंकि उसकी क्लास चल रही है अभी। अभी रुद्रांश को एक क्लास अटेंड करवाऊंगी, 12:30 के समथिंग खत्म होगी। मेरा लंच रेडी है, लंच में दाल चावल एंड रोटी, और ये है घर वाला नमकीन जो घर से लेके आए हुए हैं। और ये देखो मैं रोटी बना रही थी ना तब इसने आटे से देखो पूरे आस्तीन गंदी कर ली, देखो तो जरा इसकी आस्तीन, दोनों आस्तीन गंदी कर ली, आटे को ना पूरा पानी में मिक्स कर। चलो खाना खाएं, तो अभी हम लोग करते हैं लंच, लंच हमारा रेडी है। चलो खाना खा दिया। ऐसे बैठ के पतंग उड़ती है इन दोनों की, छत पे आ गई आराम से पतंग उड़ रही है वो है पतंग, इतनी हाइट पे दिख भी नहीं रही कैमरे में, तो पतंग बहुत ज्यादा हाइट पे इसलिए दिख नहीं रही एंड अभी हाँ यहाँ पे ना दाल डाल दी है सूखने के लिए, धूप में डाल दी है दाल को, तो ये बैठे हुए थे छत पर ही एंड ये पतंग उड़ा रहे थे। मैं तो अभी आ रही हूँ, कुछ कपड़े भी थे तो वो भी सुखाने थे, तो कपड़े भी डले हुए हैं रस्सी पे एंड इन दोनों की चल उड़ रही है यहाँ पे पतंग, मस्त आराम से बैठ के उड़ रही है दोनों की पतंग
और यहाँ पे ना शादी आदि होगी तो कहीं पे ढोल वोल बज रहे हैं बहुत ज्यादा, जैसे बारात वाले रहते हैं ना एकदम बारात जा रही है वैसा वाला। एंड जस्ट अभी खाना वगैरह खाने के बाद मैंने लोगों को ऊपर भेज दिया था क्योंकि दाल रखी हुई थी ना, मैंने सोचा सूख जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है ना, धूप की वजह से ना देखा भी नहीं जा रहा। ये देखो तो बस सारा काम फिनिश करके जस्ट मैं भी यहीं खाना खाया, बर्तन बर्तन धो के, मैंने कहा मुझे तो टाइम लग जाएगा फिर धूप भी, मतलब मौसम का क्या भरोसा, सर्दी का टाइम हो रहा है तो मौसम, तो मैंने इनको भेज दिया था, मैंने कहा आप जाके बैठना मैं फिर थोड़ी देर से आती हूँ, मैं अपना यहाँ का काम ख़त्म करके एंड थोड़ी सी दाल सूख जाएगी क्योंकि दाल वो लेके आए हुए थे ना उसमें नमी जैसी थी, फिर वो ही है ना कि दाल ख़राब हो जाती है अगर नमी जैसी रहती है तो जल्दी दाल ख़राब हो जाती। पतंग अड़ाने के ऐसे शौक हुए हैं देखो तो जरा, जरा आके बैठे हुए किसी की दिखे तो जाके काटने लग जाए, किसी की दिखी नहीं रही है। ढील दे दिया करो जब नीचे जाने लगे ना, तो ढीला कर देना चाहिए, छोड़ जाने देना चाहिए, ऐसे मत लपेटो, ऐसे गोल गोल घुमा के लपेटो उसको। हाँ 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 बस एक्सपर्ट। झाड़ू लगा रहे हैं, हो गया सर जी झाड़ू हैं? पकड़ लिया बाबू को, पकड़ो 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 जल्दी जल्दी पकड़ो। पकड़ा पकड़ी गेम खेला जा रहा है यहाँ। अब प्यास नहीं लगी आपको? तो पानी पीना था, खेल के मारे पानी वानी खत्म हो गया।